हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शेयर के बारे में जो न्यूज़ में हैं और आपके फ़ायदे के लिए हैं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले टालना प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं, जहां पे आज आप लोगों ने उसमें तेज़ी देखी। रीज़न था बायबैक की न्यूज़, जहां पर रिकॉर्ड डेट 25 अक्टूबर की तय की गई है बोर्ड के द्वारा। अब ये जो बायबैक होगा वो 1200 के प्राइस से होगा, और यहां पर जो प्यारी चीज है वो ये है कि बुधवार का जो क्लोजिंग प्राइस था उससे 53% प्रीमियम दिखा रहा है। तो 53% प्रीमियम पर जब कंपनी बायबैक कर रही है, दैट मीन्स कि एक बहुत अच्छा वैल्यू आपको दे रही है। वहां पर सवाल ये उठता है कि कंपनी बायबैक कब करती है। तो देखिए, टालना प्लेटफॉर्म के मद्देनजर में कहानी ये है कि जब कंपनी को ये लगता है कि स्टॉक बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यू हो चुका है, तो वहां पर बायबैक करके वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करती है। और वहां पर टालना प्लेटफॉर्म, जिसने मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं और वो अभी लगातार गिर रहा है, वहां पर बायबैक करके, चूंकि कंपनी बायबैक तभी करी है जब कंपनी को पोटेंशियल पे भरोसा है, कंपनी के काम पे भरोसा है, उसके फ्यूचर पे भरोसा है, उसके फ्यूचर ग्रोथ पे भरोसा है, दैट इज द रीजन वो बायबैक कर रही है। वहां पर अगर देखो तो एक नजर से पूरा का पूरा आईटी सेक्टर ही गिरा पड़ा है। क्लाउड कंपनी कहीं ना कहीं आईटी ही कहलाती है। अगर इसका लो देखोगे तो 584 के पास का लो लगा था और वहां से 800 के पास आया है, और वही इसका सपोर्ट लेवल था। जो अगर पुरानी बायबैक की जब टानला की न्यूज आई थी, जिस समय हमने बनाया था वीडियो, अगर आपने देखा हो तो मेरी नज़र में मुझे ये लगता है कि अगर आप रोज़ रोज़ देखना नहीं चाहते हो, तो जो उस समय प्राइस पर जब हमने आपके साथ वीडियो बनाई थी और शेयर किया था, तो वो एक बहुत अच्छा प्राइस था, जहाँ पे अगर आपका विज़न 5 ईयर्स का हो और रोज़ रोज़ देखने का ना हो, तो डेफिनेटली एक अच्छा शेयर है। बट सवाल ये उठता है कि आप कितनी बार अपने पोर्टफोलियो में शेयर को देखते हो एज अ इन्वेस्टर होते हुए। अब बात करते हैं विप्रो कितना डुबाएगा। अगर विप्रो भी देखो तो 740 से 379 हो गया है, आधा मोटा मोटा। लोग परेशान, आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी, कहते भैया डुबा दिया, सबसे घटिया कंपनी। इसके दूसरी तिमाही के नतीजे मोटा मोटा अनुमान के मुताबिक रहे हैं, मुनाफा 9% घटा है, इनकम में 15% की ग्रोथ दिखी है। तो यहाँ पर एक जो चीज़ है, शायद आपने गौर की हो ना की हो, पहले से जितने भी ब्रोकिंग हाउस हैं वो इनके इसी तरह के परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे थे, यानी जो उम्मीद था वैसा ही आया। यहाँ पर कंपनी को बिग डील आने की उम्मीद है, कुछ बिग डील मिली नहीं है, कुछ बिग डील इन्होंने क्रैक भी की है, बट एक होता है एक्सपेक्टेशन, नॉट वहां तक। यूरोप से इनको अभी सही बिजनेस आ रहा है। यूरोप की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको पता है यूरोप और अमेरिका, जहां स्लो डाउन की कहानी चल रही है, तो अभी तक इनको सही आ रहा है। बट मैनेजमेंट खुद ये बात मान रहा है कि जिस तरीके से यूरोप में कहानी चल रही है, उस कंडीशन में ध्यान रखने की जरूरत है, कहीं चीजें गड़बड़ ना हो जाएं, उसको संभाल के अभी से रखने की जरूरत है। लेकिन सवाल यह है कि अगेन वही कि लोग फंसे हुए हैं। तो सवाल ये होता है कि आप अगर इन्वेस्टर हैं तो आपने शेयर को किस वैल्यू पर लिया था, क्योंकि एक करेक्ट वैल्यू पर एज अ इन्वेस्टमेंट के तौर पे शेयर को लेना सबसे अच्छी क्वालिटी माना जाता है। यहां पर इसके चार्ट में भी, जो मैं लास्ट में दिखाऊंगा, जैसे टानला के या इसके, एक जबरदस्त मेक और ब्रेक पे खड़ा है। यानी अगर आप ऐसे मान के चलो कि अगर ये 360 वगैरह के नीचे बंद होता है, तो इसमें और भी नीचे पेनिक सेलिंग आप देख सकते हो। ये मैं स्विंग इंट्राडे टाइप की कहानी बता रहा हूँ। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, तो लॉन्ग टर्म में जैसा कि टानला के मद्देनज़र मैंने बताया था कि आईटी सेक्टर सबकी लगी पड़ी है, तो वहाँ पे आईटी सेक्टर की पिटाई हो रही है, तो हर शेयर पिट रहे हैं। तो वहाँ पर इस सस्ते में जो अंडर वैल्यू की कहानी आती है, वहाँ पर एक साथ पैसा कभी ना डालें, और सिर्फ अगर 5 साल का विज़न रखते हैं तो आईटी सेक्टर, यानी आप विप्रो के शेयर एसआईपी मोड में थोड़ा ले सकते हैं। लेकिन चूंकि ये मेजर ब्रेकडाउन पे है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए और उसके बाद दिमाग लगाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, बाद में भूल जाएंगे। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड ने खरीदा है सस्ता शेयर। जी हाँ,
हर इंसान को मल्टीबैगर शेयर की तलाश रहती है, ऐसे जो कम पैसे में लगाएं और तगड़ा मुनाफा देके जाए। यहां पर म्यूचुअल फंड कंपनी ने क्या दिमाग लगाया है, 3,000 करोड़ से कम मार्केट कैप वाली कंपनी में जमकर खरीदारी की है। जी हाँ, रिपीट करूंगा, 3,000 करोड़ से कम वाली मार्केट कैप, और ऐसी स्टॉक को क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। 3,000 करोड़ से कम मार्केट कैप वाली कंपनी को हम क्या कहते हैं, प्लीज एवरीवन कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं लास्ट में बताऊंगा। तो यहां पर पंप बनाने वाली जो कंपनी है जिसका मार्केट कैप 2,712 करोड़ का है, किलोस्कर न्यूमेटिक, और यहां पर म्यूचुअल फंड ने जमकर खरीदारी की है पिछले 3 महीने में, आज नहीं पिछले 3 महीने में। किलोस्कर ऑयल इंजन डीजल इंजन बनाने वाली कंपनी 2,181 करोड़ का मार्केट कैप, अगेन छोटा मार्केट कैप, इस पे भी पैसा लगाया है पिछले 3 महीने में। लेदर और इससे बनने वाले प्रोडक्ट जिसका मार्केट कैप है 1,834 करोड़ का, मयूर यूनिक्वार्टर्स, उसमें भी पैसा लगाया है। उसके बाद नेक्स्ट नाम है बटरफ्लाई गांधीमती अप्लाइंसेस, हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाती है, 2,343 करोड़ का मार्केट कैप है, इसमें भी पैसा लगाया है। और एक स्पेशलिटी केमिकल का वाली कंपनी है जिसका मार्केट कैप 2,412 करोड़ का है, वैलेंट ऑर्गेनिक्स, जिसमें भी पैसा लगाया है। तो ये वो कंपनी है जिसमें म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया है। अब ऐसा क्या है इसमें, कुछ खास है क्या, आप इन कंपनियों से दोस्ती करना चाहते हो जिससे एक सही डिसीजन ले सको, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इन चार कंपनियों, 5 कंपनियों को मैं कवर करूँगा जिससे आप इनको अच्छे से रूबरू कर पाओ। लेकिन मुझे लगता है जब म्यूचुअल फंड पैसा लगाते हैं तो कभी भी आजकल के प्रोस्पेक्ट से कभी नहीं लगाते, उनका विज़न कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म होता है। तो उस लॉन्ग टर्म में स्टॉक लेने के बाद ऐसा नहीं है कि किसी म्यूचुअल फंड हाउस ने खरीदा और अगले दिन से सिर्फ ऊपर 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 चलने लगता है, तेज़ी मंदी दोनों होती है, वो दोनों चीज़ चल के चलते हैं। वहाँ पर माइक्रो कैप की कंपनी आते तो रिस्क फैक्टर और भी सबसे तेज़ वाला बढ़ जाता है, तो इन कई चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, ऐसे शेयर में जब चार्ट में कुछ ब्रेकआउट होता है तब मैं एंट्री मारता हूँ, और मेरे 18 साल का एक्सपीरियंस है कि जब म्यूचुअल फंड HNI प्लेयर किसी स्टॉक में एंट्री लेते हैं, आप आंख बंद करके एंट्री नहीं लो, उसमें जब चार्ट में ब्रेकआउट होता है तब आप एंट्री लो, काफ़ी पैसा बनेगा। अब हम बात करते हैं 30% कमाई का मौका। जी हाँ, इन्फोसिस शेयर होल्डर के लिए यह मौका मिल रहा है। और कहानी ये है कि जो खबर आप सुन रहे थे बायबैक की, उस पर इन्फोसिस के बोर्ड ने मुहर लगा दी है। 9,300 करोड़ के शेयर की बायबैक होने वाली है। रिकॉर्ड डेट अभी आया नहीं है, जैसे टानला प्लेटफॉर्म का रिकॉर्ड डेट आज आ गया ना, वैसे इन्फोसिस का आया नहीं है। तो जब आएगा तब मैं बताऊंगा। और इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि अब टेलीग्राम में हम हर वो मार्केट न्यूज़ डाल रहे हैं जो आपको चाहिए। आप एक बार चेकआउट कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत सारे फर्जी टेलीग्राम चैनल मेरे नाम से टिप्स बेच रहे हैं, क्रिप्टो बेच रहे हैं, वो मेरा कोई भी नहीं है, सिर्फ लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ इस बात का पूरा ध्यान रखें, मैं रोज़ ऑलवेज बोलता हूँ, हम हों या हमारे जैसे कैसे भी क्रिएटर हों, हर लोगों के नाम पर फर्जी हो रहा है। प्लीज़ आपको सतर्क होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वरना यहाँ पर कहीं भी ठगाई हो सकती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ उससे जुड़िएगा। अब यहाँ पर ये जो बायबैक का प्राइस है वो 1,850 रुपये है, यानी आज जहाँ शेयर बंद हुए हैं उससे 30% ज़्यादा कीमत पर, ठीक है, 30% ज़्यादा कीमत पर बायबैक होगा। तो 30% का फ़ायदा हो सकता है, रिकॉर्ड डेट आएगा तब बताएंगे। लेकिन अगेन ये IT सेक्टर की कंपनी, उसी तरीके से पिटाई चल रही है। तो पिटाई और पिटाई के बीच में मुझे लगता है जो निफ्टी 20 जैसे होता है, वैसे ही IT इंडेक्स के जो हैं वहाँ पे आप ज़रूर ध्यान रखो, काफ़ी अच्छा मौका मिल सकता है। चलता हूँ चार्ट पे। यहाँ पर आपके सामने टानला प्लेटफॉर्म का चार्ट है, और आप कहोगे अरे यूं ही बोल दिया, वीडियो बनाई थी। तो यहाँ देखिए, सर्च बटन में हमने टानला डाला, 2 मंथ पहले वीडियो बनाई थी, शॉर्ट बनाया था, और हर जगह इसके लेवल के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आप प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आपको पता चल सकता है कि हम आपको कितना अपडेट रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये वही वक्त है जब टानला गिरा था। और उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है किस तरीके से ऊपर आया है। अब इसमें अगर अच्छी तेज़ी होनी है तो 915 के ऊपर इसको चलना ज़रूरी है,
बाकी जैसा कि मैंने बताया कि ऊपर से नीचे जो एक सही वैल्यूएशन 550 के पास आई थी लॉन्ग टर्म विजन से, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। बस ये होता है कि इन्वेस्टर हम झूठे वाले बन जाते हैं, इसलिए परेशान होते हैं। ये विप्रो है, जहाँ पे विप्रो स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन किया है, और अब जैसे कि मैंने बताया कि आज इसने 378 का लो बनाया है, बट कहीं ना कहीं 360 को, क्योंकि इतने बड़े ब्रेक डाउन के बाद एक मेजर लेवल लेना ज़रूरी होता है, तो इसीलिए सेफ साइड में मैंने 360 डाला है कि 360 के नीचे बंद होगा तो हम और भी पैनिक देख सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने कल रात की वीडियो में एक्सिस बैंक का लेवल दिया था, उसमें ZRSE का लेवल दिया था, उसमें प्रॉफिट हुआ, जो आप यहाँ से वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो, कल रात में हमने दिया था। तो हमारी कोशिश है कि हम आपको सिखाएं, और वहाँ पर इस बुक को हर एक लोगों को ऑर्डर करना चाहिए, हर एक घर में ये बुक होनी चाहिए, चाहे आप पढ़ें, आपके परिवार का कोई भी मेंबर पढ़े, क्योंकि ये सबसे सिंपल बुक हमने रखी है टेक्निकल एनालिसिस की, जिसको हर कोई पढ़ सकता है। तो अगर अभी तक ऑर्डर नहीं किया है तो अभी का अभी ऑर्डर करें। किस तरीके से स्टूडेंट ये देखो सीख रहे हैं, सेशन दिया जा रहा है लाइव मार्केट सेशन, किस तरीके से प्रॉफिट कमा रहे हैं, 83,000 वो भी ऑप्शन है, फ्यूचर है, आप बिल्कुल उसी तरीके से पैसा कमा सकते हो। और वहाँ पर मॉर्निंग अपडेट है, या स्टॉक मार्केट की जो न्यूज़ की अपडेट है वो सब दी जा रही है, तो ऐसी बेहतरीन चीज़ आपको मिल रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ें और फ़ायदा लें और कमाते रहें।